वेलकम बैक टू द कार शो पर जॉली वंस अगेन। और आज है हमारे पास नई माइक्रो एसयूवी Hyundai की तरफ से। दिस इज द ऑल न्यू Hyundai Exter। एंड द फन फैक्ट हियर इज कि ये इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है एंड दिस इज द सीएनजी वर्जन। 27 किलोमीटर पर केजी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है Hyundai इस गाड़ी के साथ क्लेम करता है। एंड इस गाड़ी के बारे में छोटी और बड़ी सी बड़ी हर डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो जरूर अंत तक बनी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल आइकॉन ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। 27 किलोमीटर पर केजी की फ्यूल एफिशिएंसी कोई छोटी बात नहीं है। एंड एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में जो ये गाड़ी है टाटा पंच से सीधा सीधा टक्कर लेती है, वो गाड़ी अभी तक सीएनजी में ऑफर नहीं करी जा रही है। हेंस दिस इज अ रियली स्टैंड आउट फीचर दैट दी एक्स्टर ऑफर्स यू। अब अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इंजन आपको एक ही मिलता है, 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। ये है इसका बाई फ्यूल वेरियंट एज आई ऑलरेडी मैंशन। लगभग 69 PS की पावर ये जो इंजन है सीएनजी मोड में निकालता है और लगभग 95 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसको मेट किया गया है। वहीं अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेने जाएंगे तो लगभग 83 PS की पावर एंड 113 NM का टॉर्क जो है ये गाड़ी आपको ऑफर करती हुई मिलेगी। सीएनजी में आपको कोई भी फिलहाल यहाँ पे AMT का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, विच इज़ नॉट इवन एक्सपेक्टेड। फिलहाल कोई भी ऑटोमेटिक या AMT ट्रांसमिशन के साथ सीएनजी गाड़ी आपको इंडिया में ऑफर नहीं करी जा रही है। बाकी अगर आपको Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली NCR रीजन में तो इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होंगी, आप इनको वहाँ कॉन्टैक्ट करिए, बेझिझक मेरा रेफरेंस दीजिए, जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट एंड क्विकेस्ट डिलीवरी हो पाएगी वो आपको ऑफर करने वाले हैं। पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com। सो bootmo.com इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कार स्पेयर पार्ट नीड्स। चाहे आपकी कोई छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो, बजट सेगमेंट की गाड़ी हो या फिर कोई लग्जरी व्हीकल हो, आपको हर टाइप का स्पेयर पार्ट वहां पर विद अ नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफर किया जाएगा। तो चाहे आपको सस्ता स्पेयर पार्ट खरीदना हो सेम रेंज का या फिर आपको एक्सपेंसिव रेंज में एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना हो, वो आपको हर ऑप्शन bootmo.com पे दिया जाएगा। इट ऑफर्स यू अ 10-day मनी बैक गारंटी। तो अगर आपको स्पेयर पार्ट पसंद नहीं आया, फिटमेंट में कोई इश्यू है, घर पे डिलीवर किया हुआ पार्ट आप रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड अगेन जैसा मैंने आपको बताया, घर पे होम डिलीवरी है, आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूर चेकआउट करिए, जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, bootmo.com वेबसाइट एज वेल एज दी एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल बोथ ऑन एंड्रॉयड एंड एप्पल डिवाइसेस। जैसा मैं आपको बता रहा था, टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम नहीं है, सेकेंड टॉप वेरिएंट जो है SX वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ CNG में। बात करते हैं इसके फ्रंटल फैशिया की। यहाँ पर आपको H शेप DRL मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। पीछे की तरफ आपको हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर छुपा हुआ दिखाई देगा। नीचे इसका प्राइमरी हेडलैम्प सेटअप है बाय हैलोजन, मेन प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। एक्स्टर की बैजिंग है, पियानो ब्लैक का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल जो है वो आपको यहाँ पर ये गाड़ी ऑफर कर रही है। 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, लगभग 3800 mm की आपको ओवरऑल लेंथ मिलती है Hyundai Exter में। कोई भी फॉग लैम्प सेटअप आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट आपको ये फॉग स्किड प्लेट जो है यहाँ पे दिखाई देगी एंड उसके साथ साथ जो टो हुक है यहाँ पर आपको छुपा हुआ दिखाई देगा। अब टॉप वेरिएंट के कंपैरिजन में आपको एक बड़ा जो बदलाव है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर स्टील रिम्स मिल रहे हैं विथ स्टाइल्ड व्हील्स, बेसिकली स्टाइल्ड व्हील कैप्स जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर करे जा रहे हैं। 175/65 R15 जो प्रोफाइल आपको टॉप वेरिएंट में अलॉय व्हील के साथ मिलती है वही आपको यहाँ पर भी ऑफर करी जा रही है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल ORVMs आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक सनरूफ रूफ रेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एंड ये पियानो ब्लैक का जो थोड़ा इस्तेमाल है यहाँ पर किया जा रहा है। पीछे की तरफ से अगर इस गाड़ी को देखें तो टॉप वेरिएंट के कंपैरिजन में आपको कुछ कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस ज़रूर देखेंगे। एक बार मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखा देता हूँ, बिकॉज टॉप वेरिएंट के कंपैरिजन में अगेन यहाँ पर भी एक डिफरेंस है। यहाँ पर आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलता, कीलेस एंट्री आपको नहीं ऑफर करी जा रही, ये आपको फोल्डेबल जैक नाइफ की मिलती है जो अच्छी ज़रूर लगती है। लॉक अनलॉक एंड बूट को अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब CNG वर्जन है जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, फैक्ट्री फिटेड CNG है, बट इस CNG के बारे में एक बात मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, ये जो CNG किट्स हैं Hyundai खुद अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, ये आउटसोर्स्ड है एंड जो कंपनी आउटसोर्स कर रही है वही कंपनी आपको इस CNG सिलेंडर पे जो वारंटी है वो ऑफर करने वाली है। लगभग 27 किलोमीटर पर केजी की फ्यूल एफिशिएंसी है, बता चुका हूँ 12 केजी का सिलेंडर जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। SX वेरिएंट की बैजिंग, दो
आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर मिलने वाला है। अगर बूट को अनलॉक किया जाए तो ये है इसका कुछ सीएनजी सिलेंडर जो बूट में प्लेस किया हुआ आपको दिखाई देगा। काफ़ी बढ़िया जो पैकेजिंग है यहाँ पर आपको मिलेगी। पार्सल शेफ जाहिर सी बात है आपको दिखने वाली है। 12 केजी का जो सिलेंडर है, लगभग 60 लीटर्स की वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 7 से 8 किलो गैस आपकी नॉर्मल प्रेशर में, या अगर अच्छा प्रेशर हो तो लगभग 7 से 8 किलो गैस आपकी यहाँ पर आ जाएगी। पेट्रोल वेरिएंट में 391 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जगह मिलने वाली है, सॉफ्ट बैग्स आप अपने यहाँ पर रख सकते हैं। स्पेयर व्हील भी आपको यहीं से इसका जो है एक्सेस करना पड़ेगा, यहीं पर फ्लोर बेड में आपको ये माउंटेड दिया जा रहा है। ऊपर की तरफ प्लास्टिक में जो कवरिंग है यहाँ पर अच्छी तरह करी गई है। टेल लैम्प क्लस्टर, अगेन एच शेप्ड LEDs आपको यहाँ पर मिलती हैं, बट रिवर्स लैम्प एंड इंडिकेटर हैलोजन बेस्ड ही यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि यहाँ पे CNG आप फिल कैसे करेंगे। जी हाँ, यहीं पर इसकी नोज़ल की फिटमेंट करी गई है, आप यहीं से CNG फिल करवा सकते हैं। पेट्रोल का जो नोज़ल है वो तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलता ही है। तो ये कुछ हो गई, यहाँ पर आपको डेफिनेटली जो उसकी CNG की प्लेट है दिखाई देने वाली है। एक बारी साइड क्वार्टर प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ। शार्क फिन एंटीना आपको इस वेरिएंट में मिलने वाला है, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड फीचर दैट इज़ बीइंग ऑफर्ड। बढ़ते हैं एक बारी इंटीरियर्स में, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि फीचर्स क्या कुछ आपको ऑफर कर रही है ये CNG Hyundai Exter। डोर पैड अगर हम देखें तो ऐसी कुछ जो फिनिशिंग है डोर पैड पे दी गई है, ब्लैक कलर के प्लास्टिक्स हैं, डोर हैंडल प्लास्टिक बेस्ड है, ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल ORVMs हैं, बाकी ऑल 4 पावर विंडोज़ एंड आपको यहाँ पे डोर पॉकेट्स तो मिलते हैं जहाँ पे आधी लीटर की बॉटल जो है आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ये छोटी सी जगह है जिसमें सिक्के निकनाक्स आप रख सकते हैं, हेंस वेरी प्रैक्टिकल। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ CNG और पेट्रोल में आप यहाँ से स्विच कर पाएंगे। हेडलैम्प लेवलिंग आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है ये गाड़ी। बाकी Hyundai Exter की बैजिंग है सीट्स पे, फिक्स हेडरेस्ट आपको यहाँ पर ऑफर करे जा रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इंटीरियर्स में, वहाँ पे दिखाता हूँ कि फीचर्स कैसे कुछ आपको ये SX वेरिएंट ऑफर कर रहा है। तो ये है कुछ इंटीरियर्स Hyundai Exter के यहाँ पर। अब टॉप वेरिएंट की वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी डाल चुका हूँ, राइट हैंड कॉर्नर आई बटन में आपको उसका लिंक जो है यहाँ पर मिल रहा होगा। स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, अब यहाँ पे लेदर रैप फंक्शनैलिटी आपको नहीं मिलती। क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे इंफोटेनमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, मोड, वॉइस कमांड, आपको वॉइस ऑपरेटेड सनरूफ ऑफर करती है Hyundai Exter। बाकी सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल एंड व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे जो फीचर्स हैं ये EX ऑप्शनल वेरिएंट्स ऑफर कर रही है, एंड हेंस सेफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान जो है यहाँ पर Hyundai ने दिया है। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर रिलेटेड टॉगल्स हैं, राइट हैंड साइड पे आपको हेडलैम्प रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर दिखने वाले हैं। अब CNG मोड एंड पेट्रोल मोड में आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, जो बटन है मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बट ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है MID के अंदर सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट की ही दिखाने वाली है, पेट्रोल में जो आप माइलेज निकाल रहे हैं। बाकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाई लाइन है, यहाँ पर आप ट्रिप AB में स्विच कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको, काफ़ी सारी कस्टमाइजेबल जो ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पर दिखने वाली है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है। काफ़ी स्लिक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अगर आपको मैं मेन्यूज़ पे लेके जाऊँ आप देख सकते हैं काफ़ी आपको ये जो स्लिक है लगने वाला है। आपको वॉल्यूम एंड ट्यून करने के जो बटन्स हैं यहाँ पर मिलने वाले हैं, इसकी बात मैं डिटेल में वैसे कर चुका हूँ अपनी टॉप वेरिएंट की वीडियो में, आप वो देख सकते हैं। फिर भी आपको एक बारी होम पेज पे ले जाता हूँ, ऐसा कुछ जो पूरा UI है आपको मिलता है। वायर्ड है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है वो आपको यहाँ पर भी ऑफर किया जा रहा है टॉप वेरिएंट की तरह। रियर एंड फ्रंट डिफॉगर दोनों है। वायरलेस चार्जिंग पैड हालांकि आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। टाइप सी USB है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। नॉर्मल USB एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑलरेडी मिलता है। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस जो है आपको मिलने वाली है। ट्विन कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, बाकी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस मिलेगी। कूल ग्लव बॉक्स की जो फंक्शनैलिटी है टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगी SX ऑप्शन में, वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देने वाली। बाकी ब्लू लिंक सिर्फ कनेक्ट वेरिएंट में है, यहाँ पर मैन्युअली डिमिंग IRVM आपको दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको ऑफर कर रहा है ये SX ट्रिम, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ है। फिलहाल एक बार आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ, एंड अगर सन वाइजर देखें यहाँ पर एक वैनिटी मिरर आपको मिलने वाला है।
यहाँ पर आपको ड्राइवर के लिए सिर्फ एक टिकट होल्डर दिखाई देगा। एसी वेंट्स इसे काफी ज्यादा क्वर्कीली डिजाइंड है, आपको एक मर्सिडीज का जो टच है यहाँ पे मिलने वाला है, ये हमने ग्रैंड आईटेन नियोस में भी देखा था। सो दीज वर द इंटीरियर्स ऑफ द सेकेंड टॉप वेरियंट ऑफ द ह्युंडई एक्सटर्स सीएनजी। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी इसकी फीचर डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़ते हैं एक बारी रियर सीट्स में। स्पेस की बात ऑलरेडी मैं अपनी दूसरी वीडियो में कर चुका हूँ, एक बारी मैं आपको बस एक ओवरव्यू देना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ द अमेनिटीज दैट आर बीइंग ऑफर्ड ओवर देयर। यह है इस गाड़ी का कुछ डोर पैड, अगेन सेम फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है, पावर विंडो का बटन है, छोटी मोटी निकनैक्स रखने की जगह आपको मिलती है, स्पीकर की प्लेसमेंट है एंड आधे लीटर की जो बॉटल है आप यहाँ पे कंफर्टेबली फिट कर सकते हैं। अब सबसे बढ़िया बात एक्सटर की ये है कि इसके अंदर से निकलना और घुसना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इनग्रेस एंड एग्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रखा हुआ है। एंड अगर मैं आपको एक बार स्पेस का अंदाज़ा दूँ, यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ है, 5 feet 10 inches के आसपास इसकी हाइट है। फ्रंट सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट करी हुई है, लगभग 5 feet 9 inches मेरी हाइट है। एंड आप एक बार यहाँ पे हेडरूम एंड नी रूम चेकआउट कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट भी एडिक्वेट अमाउंट में यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। बाकी आपको रियर एसी वेंट्स तो यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगे एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट है जो आपको यहाँ पर इस वेरिएंट में ऑफर करे जा रहे हैं। दोस्तों ये थी ह्युंडई एक्सटर SX CNG वेरिएंट आपको मैंने दिखाया। मुझे फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, माय आईडी इज द कार शो _RJolly। बाकी आपको अगर ह्युंडई का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप भेजिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होंगी, कॉन्टैक्ट करिए, बेस्ट डील्स बेस्ट सर्विस यहाँ से लेकर जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।